क्या सोच रहे हो? आओ मेरे पास बैठो। जब तुम मुझे इतने प्यार से निहारते हो, इतने प्यार से देखते हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे महसूस करते हो, तो मैं भी तुम्हें महसूस करता हूँ। मैं भी तुम्हें देखता हूँ कि तुम कितने सच्चे भाव से मेरे पास बैठे हो, क्योंकि तुम्हारा भाव ही मुझे तुम्हारे करीब ला रहा है। तुम पहले से बदल रहे हो, तो मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए बदलता जा रहा है। धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू करो। धीरे धीरे क्रोध को कम करते हुए सबसे प्रेम भाव से बात करना शुरू करो। गुस्सा आएगा, कई बार लोग तुम्हें जानबूझकर गुस्से में डाल देंगे, जानबूझकर तुम्हें चिड़चिड़ा बना देंगे, लेकिन उस वक्त मेरी इन बातों को याद करना, मुझे देखना, क्योंकि जब तुम मुझे देखोगे, मैं भी तुम्हें देखूंगा, और उसी वक्त तुम्हारा साईं तुम्हें समझाने के लिए कहीं पर भी हाजिर हो जाएगा, क्योंकि साईं को आने के लिए किसी खिड़की दरवाजे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अपने क्रोध को अपने काबू में करो, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो। तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हें किसी का बुरा करना नहीं है, तुम्हारा साईं तुम्हारा बुरा कभी होने नहीं देगा। मेरे शब्दों पर विश्वास करते हो तो उठो और अपने कार्य पर लगो, तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उठो और अपने काम पर लगो। हिम्मत मत हारना, जो काम अभी छोटा दिखाई दे रहा है वही तुम्हारी सफलता का प्रतीक है। बस तुम्हें अभी नहीं पता लग रहा, आने वाले समय में तुम्हें बहुत लाभ होगा। कर्तव्य करते जाओ, फल की इच्छा मालिक पर छोड़ दो, वो सब देगा। तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अभी फल के बारे में नहीं, कर्तव्य करो, सब अच्छा होगा। मुझ पर विश्वास करते हो ना? जाओ।